इफ्तारी का इहतमाम होना शुरू हो गया जी। साढ़े बन गए ने पुलाव। वाओ, सारे साढ़े घर खुशबूव ही खुशबूव आई पे भाई। अस तो खाने ही कौन साढ़े तो रोज़ है। देखो जरा तुम खुशबूव आदि भी है ना, बड़िया मज़े दी भाई। जिन्हों के रोज़े नहीं है वो खान के भाई, असं तो रोज़े रखे हुए इंशाल्लाह ताला। असं तो शाम करा इफ्तारी तो वेज कि घी पाया ना भी बड़ा ज़्यादा पै गया। लो जी देखो जी, देखो जी तुम लो जी। इधर मैं रख दिता वा गोश्त प्रैशर कुकर च, प्याज पाए थे, लसन के जवे पाए थे। देखो लसन के जवे तो प्याज पाए थे, थोड़ा पानी पाता वा इन अच्छी तरह भावना। प्रैशर कुकर बंद करके तो इन उबालने, उबाल के फिर बेच अपना इन पाँगे कद्दू शरीफ। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी मसाला मेरे को थोड़ा टमाटर एक मंगवाने बाजारों मसाला, तो मंगवा के तो फिर बच्चे पावे आप कद्दू शरीफ, तो फिर बच्चे मसाला कड़ा ना कुट के उदो ही पावे कदों गोश्त कड़ा ना उबालिया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला दी रहमत बरकत करन शुक्र के साथ शुरू करने आए सब लोग। अज मैं सुबह ही लगी हूँ कपड़े सिलाई करने वास्ते, तो पहले तो मैं सारे घर के काम किए ने काम करके वेली हुई हूँ, फिर उस तो बाद मैं कपड़े सिलाई करन लग गई हूँ। गला मैं बना लिया वा, देखो काफ़ी सारे कपड़े से जो मैं सिलाई किए ने, गला मैं बना लिया, गोल गला ही बनाया वा। तो हम लाने पीछे तीरा तीरा ला के, तो फिर अपना ले गोशे मैं उबना रख दिता वा प्रैशर कुकर च, तो फिर बनावे आप हांडी। माशाल्लाह कद्दू शरीफ फिर इन्हें मैं मंगवा के रखे हुए। देखो गोशे के बच्चे पावे कद्दू आलू खा खा के बड़ा तंग आ गया, तो आ छोटे छोटे दो कद्दू ने ये पावे, तो बड़ा कद्दू रख लवेंगे, फिर किसी ने रत्ता बनावे। तो ये हम है ना हाले मैं तो जल्दी ना एक नई सिलाई कर लेना, उन्होंने जिक्र प्रैशर कुकर कर चलता पे, तो फिर गोशत उबल जाएगा, फिर उस तो बाद हांडी पका लेंगे। तो अज काम बहुत ज़्यादा है, तो मैं क्या फिर आ भी तो नबेड़ने ना नाल कपड़े गिरे ने सिलाई करने वाले, वो भी जल्दी जल्दी सी लें। अच्छा जी कपड़े मैं सिलाई करती हूँ नीचे बैठ के, तो मेरे को ना हम जगह नहीं हैगी नीचे बैठने वास्त। माशाल्लाह कमरा जी फिर कमरा तो फिर मैंने चार पाई बैठ के कपड़े सिलाई करने पैंते हैं, इतने फिर बैठ के ना बाबा सही कपड़े सिलाई हो जाते हैं। एक कमीज आ रहेगी तो एक कमीज रहेगी आ वाली सिलाई करने वाली, दो कमीजा का कमीज रहेगी वा, तो एक मेरे रोज़ा रह गया बस वो कटाई करने वाला। यह सुबह मैं रोज़ा रखा, रोज़ा रख के फिर मैं कपड़े कटाई की, फिर मैं उस बाद झाड़ू पोछे किए ने, पुछना लाइया ने ला लो के, तो फिर मैं जाके 8 बजे लम्बी पई सी, तो एक घंटे बाद फिर मैं उठ बैठी, तो उदों की मैं मशीन पर बैठी हुई हूँ। तो हूँ हाले मेरे ना बस मैं हूँ उठन वाली हाँ, थोड़ा जहा उठ के मैं काम कर लिया, दही में भी जाग ला लिया वा, तो दुध भी गर्म कर लिया, कड़क भी रख लिया, प्रैशर कुकर भी रख दिता वा चूल्हे, तो वह भी बनता पाया गोश्त। तो हूँ अपना पनीर थोड़ी जी होर मुकम्मल करके, तो फिर आप मशीन ना बंद कर देना, फिर आप इफ्तारी का जो समान है ना ये बनाना शुरू कर देना, खाना खाना बनाना शुरू करना आप किचन गार्डन च। उतों लैके आने कोई पालक पुलक लग के, तो जा उतों लैके आने धनिया। कमीज ले लो आप मिनट लाया पूरी कर ली, बस कटाई करने वाली होंगी, कटाई कर लो तो कपड़े जल्दी सिलाई होंगे। देख लो माशाल्लाह कितनी प्यारी सिलाई होगी, तो बाजू भी तुम देखो बिल्कुल बिल माशाल्लाह। तो बस आप तीरे की तरपाई रह गई भी आप करा शाम रोज़ा इफ्तार करके, तो उस तो बाद फिर नीचे वाली केड़ी घेरे की चाकों की भी आप शाम नहीं करा, हम बस हम अपना अल्लाह मैं अपनी पहले बाद चु मैं अपने करती हूँ, हम मेरी रह गई कमीज ये भी हम आप करा नया चालू लगता है ना, काफ़ी लंबा होंगे ना, तो फिर सेट फिरता नहीं, अब कट दी है फिर सही फिर
ਜਿਵੇਂ ਲਈਏ ਧੋ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਫਰੈਸ਼ ਕੁੱਕਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਧੋਨੇ ਆ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਆਹ ਦੇਖਣਾ ਗੋਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਕੱਦੂ ਸ਼ਰੀਫ ਲਸਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਰਕ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ ਮਿਰਚਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਲੋ ਜੀ ਫੁੱਲ ਸਿਕਲੈਂਡ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਫੁੱਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਿੱਕੇ ਤਾਂ ਨਾ ਸੋਹਰੇ ਉੱਠਦੇ ਨਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਫੁੱਲ ਗਿਫਟ ਈਦ ਦਾ ਗਿਫਟ ਆਪਾਂ ਫੁੱਲ ਲੋ ਜੀ ਅੱਜ ਨਾ ਸਿਕਲੈਂਡ ਪਾਣੀ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਲਾ ਲਓ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਬਸ ਆਹ ਇੱਕ ਨਾ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਿਆ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਆਹ ਹੁਣ ਫਿਰ ਲਾਉਣਗੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਾ ਆਂਟੀ ਦੇ ਸੌਂਫ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਆਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸੌਂਫ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਹੁਣ ਨਾ ਸੌਂਫ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ ਅਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਦਾਣੇ ਜੇ ਬਣੇ ਹਲੇ ਨਾ ਮੈਂ ਦੋ ਤੋੜ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣੀ ਆ ਐਵੇਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਕਰਨੇ ਤੋੜ ਕੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੌਂਫ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੁਣ ਇਹ ਪੱਕੇਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਾ ਪੱਕ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਇਹ ਸੌਂਫ ਬਣੇਗੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਆ ਸੌਂਫ ਦੀ ਮਾਡੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਆਂਟੀ ਦੀ ਸੌਂਫ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੋਈ ਹਰੀ ਸੌਂਫ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕ ਜਾਣਾ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਪੀਲੇ ਫੁੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਆਹ ਫੁੱਲ ਨੇ ਨਾ ਅਤੇ ਆਹ ਪੀਲੇ ਫੁੱਲ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਲੇ ਫੁੱਲ ਲੱਗਦੇ ਪੀਲੇ ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸੌਂਫ ਬਣਦੀ ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸੌਂਫ ਬਣ ਗਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਹੋਈ ਹਰੀ ਸੌਂਫ ਚਲੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਾਂ ਆਂਟੀ ਘਰੋਂ ਮੰਗਵਾਵਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸੌਂਫ ਤਾਂ ਆਂਟੀ ਦਾ ਆਪ ਖੁਦ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਉਹ ਨਾ ਆਪਾਂ ਤੋੜੀਏ ਪਤੀਲਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਲਓ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਸੀ ਸਟਾਈਲ 'ਚ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਸਟੋਬਰੀ ਮਿਲਕ ਸ਼ੇਕ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਸਟਾਈਲ ਮੈਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇਸੀ ਸਟਾਈਲ ਕੂੰਡੀ ਡੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਕ ਸ਼ੇਕ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਦਾ ਬਣੇਗਾ ਸਟੋਬਰੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਲਈਏ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲਕ ਸ਼ੇਕ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਤੀਲੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਮਿਲਕ ਸ਼ੇਕ ਸਟੋਬਰੀ ਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੰਡੀ ਡੰਡੇ 'ਚ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁੰਡੀ ਡੰਡੇ 'ਚ ਨਾ ਦੇਸੀ ਸਟਾਈਲ 'ਚ ਮਜ਼ੇ ਲੱਗਦੀ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁੱਟਣੇ 'ਚ ਸੈਮੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਏਗਾ ਸਟੋਬਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾਓ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਕ ਸ਼ੇਕ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣੀ ਚੀਨੀ ਪੰਜ ਦਸ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਲਾ ਲਓ ਜੀ ਮਿਲਕ ਸ਼ੇਕ ਬਣ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਰਫ ਠੰਡਾ ਠੰਡਾ ਲਓ ਜੀ 5 ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੋਬਰੀ ਮਿਲਕ ਸ਼ੇਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਸੀ ਕੁੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ੇ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇ ਮਜ਼ੇ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਜੈਸੇ ਕਿ ਇਹ ਟੁੱਟਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੱਲੇਗੀ ਉਹ
ठंडा ठंडा मिल के बन जी। आलूआं टिक्कियां बन दी फ्राई बन दी आलू चिकन दी होर टिक्कियां आलू चिकन दी टिक्कियां फ्राई हो गई ने इन्हें कहने शामियां भी कह लें शामियां शामियां आलू फ्राई करने वाली पी नाले पकौड़े बने पेने आपकी तारी भी पूरी कर ली है खीरे भी चावल भी फ्रूट चाट भी चटनी भी खजूर भी हम बिच पाने आपे पकौड़े टिक्कियां लो जी मस्जिद वास्ते तारी हो गई है पूरी पूरी तैयारी हो गई हूँ भेजे हैं बेटे नो फोन फट सक लैन जल्दी कर लो जी इफ्तारी जा रही जी मस्जिद के माशाल्लाह चलो जी शरबत भी चुके लैके चली गए आप हौली हौली चीज़ में चली गए टाइम थोड़ा रह गया बिल्कुल इधर वेखो जरा कि मुझे पाई खिला गनेरी मुझे पाई खिला इधर वेखो जरा हम छिलका वे खावन की बारी मैंने पाई खिला इदा मैं कोई चीज़ दे खाने में लो जी शाम बिल्कुल हो चुकी है थोड़ा जहा सूरज रह गया है जरूर मन इतने नज़र नहीं आ रहे तो मैं दिखा दें बड़िया मजे दिया बन गया छियां लो जी माशाल्लाह इफ्तारी साड़ी करी मुकम्मल हो रही जी लो जी कौलियां रह गई से हूँ मैं ये भी लैके जा रही हूँ सालन देखो लो जी माशाल्लाह जी इफ्तारी हो इफ्तारी असी कर ली है रोजे इफ्तार कर लेने तो माशाल्लाह बच्चे चले गए नमाज़ पढ़ने वास्ते आए सारी चीज़ा उदा ही पड़िया हुई ने बच्चों ने दोबारा आन के नमाज़ पढ़ के आ के फिर उन्होंने खाना खाना है रोटियां वगैरह सारा कुछ तुम देखो माशाल्लाह शामियाँ देखो कि मज़े दिया बनिया ने आलू और चिकन दिया शामियाँ देखो कि मज़े दिया बनिया ने बहुत मज़े दिया बनिया ने तो आप हूँ अब माशाल्लाह भी रोजे पूरे हो गए कि ने बिना सत्कार से औरतों मर्दों ने सब ने सब बिना सब सत्कार तो बह जाने के मगर की नमाज़ पढ़ के भी रोज़े माशाल्लाह मुकम्मल पता ही नहीं चलिया भी रोज़े गुजर गए ने ते अल्लाह ताला हुण बाकी रह गए नौ रोज़े नौ ही रह गए रोज़े पिछे जो नौ रह गए नौ ही रह गए तो अल्लाह ताला सब दे रोज़े कबूल तो मंजूर करे तो रोज़े रखने की तफीक सब नूं देवे सब नूं पंज वक्त की नमाज़ पढ़ने की तफीक देवे तो आप अज के ब्लॉग का इतनी एंड कर देने अज का ब्लॉग अच्छा लगा लाइक कर देना शेयर कर देना मेरे चैनल सब्सक्राइब कर देना अपना बहुत सारा ख्याल रखना दुआ में याद रखना अल्लाह हाफिज़।